हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डैन ने मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए अपनी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से डैन को बहुत ही ज्यादा कमजोर फील हो रहा था और तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है, पर उसके फादर ने उसे संभाल लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां डैन के फादर उसको अपने रूम में ले जाते हैं और वहां बैठ के डैन कल्टीवेशन करने लगता है और उसे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज याद आने लगती है, जहां असैसिन ने पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मैं वहाँ से किसी तरह बच के भाग गए थे, पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो असैसिन उन दोनों को भी घेर लेते हैं। ये देखकर मैं और डैन को बचाने के लिए उसे एक नदी में धक्का दे देती है और वो खुद उन असैसिन के हाथों मारी जाती है। और तभी डैन अपनी आंखें खोल लेता है तो उसकी नजर अपने फादर पे पड़ती है, जो सामने चेयर पे बैठे सो रहे थे। अपने फादर को देखते हुए डैन कहता है, मेरी पिछली लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो मैं अपनी इस लाइफ में नहीं होने दूंगा। तभी डैन को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सुन के डैन बाहर चला जाता है, जहाँ उसे एक लड़का दिखता है जो चिल्लाते हुए कहता है, अंकल आप कब तक यहाँ पे छुप के रहोगे? मैं आज बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढ पाया हूँ, इसलिए अब आपको हमारे साथ आना ही होगा। उस लड़के की ये बात सुन के मिस्टर लिन कहते हैं, लड़के मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के वो लड़का कहता है, अंकल अगर आप मुझे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, पर ग्रैंडपा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो क्या आप उनसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकते? ये सुन के मिस्टर लिन थोड़ा घबरा जाते हैं और वो उस लड़के से पूछते हैं उन्हें क्या हुआ, जिस पे वो लड़का कहता है, अंकल ग्रैंडपा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और अगर आप दो दिन के अंदर अंदर जोआनिवन सिटी जाकर उन्हें नहीं देखते तो मुझे डर है आप दोबारा उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। और उसके बाद वो लड़का मिस्टर लिन से कहता है, अंकल मैं इस टाउन के आउटर गेट पे सिर्फ दो दिन तक आपका इंतजार करूंगा, अगर आप ग्रैंडपा से मिलना चाहते हैं तो आप वहीं आ जाना। और ये कह के वो लड़का वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम हाउस के अंदर का सीन देखते हैं, जहां मियाव अपने फादर से पूछती है, फादर यहां सब क्या चल रहा है और वो लड़का आपको अंकल क्यों बोल रहा था? जिस पे मास्टर लिन अपनी बेटी को बताते हैं कि वो लड़का मेरे भाई लिन ओ का बेटा है और लिन ओ बचपन से ही काफी जीनियस और इंटेलिजेंट था, इसलिए हमारे फादर उस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे और मैं भी उस पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था। वो जो भी मुझे करने के लिए कहता था वो मैं आंखें बांध के कर देता था, इसलिए उसने एक दिन मेरे विश्वास का फायदा उठाकर मुझे फंसा दिया और बाकी सब के सामने मुझे चीटर बना दिया, जिसके बाद मेरे फादर ने मुझे लिन फैमिली से निकाल दिया था और मेरे भाई ने ये सब लिन फैमिली का हेड बनने के लिए किया था। और ये कह के मास्टर लिन कहते हैं, मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं, मुझे जोआन युआन सिटी जाकर उनसे मिलना ही होगा। ये सुन के डैन मास्टर लिन से कहता है, नहीं मुझे तो लगता है इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, आप यहाँ पे कई सालों से छुपे हुए हैं और आज अचानक ही उन्होंने आपको ढूंढ लिया, इसलिए मेरे ख्याल से अभी के लिए हमें सिटी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और अगर हमें सिटी छोड़नी ही है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा ताकि हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। डैन की ये बात सुन के मास्टर लिन डैन को ही कोई प्लान बनाने के लिए कहते हैं, जिस पे डैन कहता है, मैं जल्दी इस बारे में कुछ प्लान बनाता हूँ। और ये कहकर डैन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए डैन खुद से ही कहता है, पिछली बार जब हम जोआनिवन सिटी के लिए जा रहे थे तभी हम पे असैसिन्स ने हमला किया था, और मास्टर लिन की बातें सुनकर अब मुझे लगता है ये काम तीन बड़ी फैमिलीज में से एक लिन फैमिली का होगा, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, इस बार सब कुछ मेरे हिसाब से होगा और मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले सीन में हम मास्टर लिन के भतीजे को देखते हैं, जो अपने आदमियों से कह रहा था, मेरे फादर ने हमारी लिन फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, पर मेरे बुड्ढे ग्रैंडपा ने मेरे फादर को फैमिली का हेड नहीं बनाया, वो हमेशा से अपने दूसरे बेटे लिन टियान को ही फैमिली का हेड बनाना चाहते थे, लेकिन अब जब वो बुड्ढा कोमा में है तो हम इस बात का फायदा उठा के इस छोटी सी लिन फैमिली को सिटी से बाहर बुलाकर खत्म कर देंगे, उसके बाद उस बुड्ढे को फैमिली हेड की पोजीशन मेरे फादर को देनी ही होगी। अगले सीन में हम मास्टर ली और डैन को बात करते हुए देखते हैं, जहां डैन मास्टर ली से कहता है, मास्टर ली आप यूजी सिटी के सबसे पावरफुल पर्सन हो, इसलिए मुझे आपकी एक मदद चाहिए। जिस पे मास्टर ली डैन से कहते हैं, बस बोलो मुझे क्या करना है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। ये सुन के डैन मास्टर ली को बताता है कि हमारी छोटी लिन फैमिली और सुप्रीम लिन फैमिली के बीच कुछ रिलेशन है और सुप्रीम लिन फैमिली चाहती है कि हम जोआनिवन सिटी जाकर उनसे मिले, पर आपने तो इन अफवाहों के बारे में सुना ही होगा कि सुप्रीम लिन फैमिली छोटी फैमिलियों को बुलाकर उनको खत्म कर देती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी लिन फैमिली को अपने क्लैन में शामिल कर लें, पर मास्टर ली इसके लिए मना कर देते हैं। ये देखकर डैन मास्टर ली को दो बहुत ही पावरफुल एलेक्सिर बनाने की रेसिपी देता है और वो मास्टर ली को बताता है कि ये रेसिपी मेरी पहली वाली मेडिसिन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के मास्टर ली भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं और वो डैन से कहते हैं, रुको मैं अभी जाके सारा इंतजाम करता हूँ। जिस पे डैन उन्हें रोकते हुए कहता है, मास्टर ली अभी मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए मुझे दो फाइटर्स चाहिए। ये सुन के मास्टर ली शॉक होते हुए डैन से कहते हैं, क्या तुम किसी से
से लड़ने जा रहे हो। अगले सीन में हम सिटी के बाहर एक घर के अंदर मासा लेन के भतीजे को देखते हैं जिसका नाम लेन शाओजेन था। वो गुस्से से कहता है मुझे यहाँ 2 दिन हो गए हैं, आखिर लेन टियान ने मुझे कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया। और वो चलाते हुए अपने आदमियों से पूछता है वो दोनों लड़के कहाँ हैं जिन्हें मैंने लेन फैमिली पे नजर रखने के लिए कहा था। और तभी वो दोनों लड़के दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ गिरते हैं और उसके बाद नैन भी अंदर आते हुए लेन शाओजेन से कहता है कहीं तुम इन दोनों की बात तो नहीं कर रहे थे। नैन को वहाँ देखकर शाओजेन बहुत ही ज्यादा शोक हो गया था और वो गुस्सा करते हुए नैन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेन फैमिली के आदमियों को मारने की, और तुम्हें क्या लगता है तुम इन दो लो लेवल कल्टिवेटर्स की मदद से मुझे हरा पाओगे। जिस पे नैन कहता है मुझे पता है तुम्हारी सुप्रीम लेन फैमिली क्या चाहती है, तुम लोग यही चुप कर हमारी छोटी लेन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, पर अब ये सब भूल जाओ क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। डैन की ये बात सुनकर शाओजेन डैन से कहता है अब जब तुम हमारा प्लान जान गए हो तो अब तुम्हें भी मरना होगा। और ये कहकर लेन शाओजेन अपने आदमियों से डैन को मारने के लिए कहता है, पर डैन के साथ आए दोनों फाइटर्स उन्हें बड़ी आसानी से हरा देते हैं और अपने सभी आदमियों को मारा देख कर लेन शाओजेन डर से कांपने लगता है और वो डैन से उसकी जान बख्शने के लिए भीख मांगने लगता है। और ये देखकर डैन अपना ऑरा रिलीज कर देता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैन और लेन फैमिली जोआन युआन सिटी जा रहे थे। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर ली जाकर मास्टर लेन टियान को बताते हैं कि हमारे ली क्लैन ने आपकी लेन फैमिली को अपने क्लैन में शामिल करने का फैसला किया है, इसलिए हम आपकी लेन फैमिली को ली क्लैन में लाने के लिए कुछ दिन बाद किसी को भेजेंगे, वो आपको जोआन युआन सिटी में मौजूद ली क्लैन में ले जाएंगे। उसके बाद हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैन एक आदमी जिसका नाम ली यन बा था उसे देखते हुए कहता है जो कि ली क्लैन के हेड का भाई था, उसे देखते हुए डैन कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि ली यन बा खुद हमें यहाँ लेने के लिए आएगा, और जहाँ तक मुझे याद है ये मेरी पिछली लाइफ में मार्शल गॉड लेवल तक पहुँच गया था, इसलिए मुझे इसे अपना दोस्त बनाना होगा ताकि ये लेन फैमिली के साथ लड़ने में मेरी मदद कर सके। वहीं डैन को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर ली यन बा डैन से कहता है लड़के तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम आखिर मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो। जिस पे डैन ली यन बा को एक मार्शल जेड स्टोन देते हुए कहता है इस स्टोन का यूज करके आप अपने मार्शल आर्ट्स की पावर को बढ़ा सकते हैं, और ये स्टोन मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद हमें ली क्लैन के मेंशन में ले जाने के लिए आए हैं। डैन की ये बात सुन के ली यन बा उस मार्शल जेड स्टोन की पावर को चेक करता है और उसकी पावर को चेक करके ली यन बा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो डैन से कहता है ये टेक्निक तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है। अगले सीन में वो सभी लोग जोआन युआन सिटी में पहुंच जाते हैं जहां ली फैमिली के हेड ली शेन खुद डैन और उसकी फैमिली का स्वागत करने के लिए आए हुए थे और वो डैन को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। और ली शेन उन लोगों से कहते हैं आप लोग बहुत दूर से आए हैं इसलिए आप थक गए होंगे, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। ये सुन के डैन अपने अंकल और फादर से कहता है आप लोग ली यन बा के साथ जाइए, वो आपको रहने के लिए जगह दिखा देगा और मुझे थोड़ा काम है मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। उसके बाद डैन मास्टर ली शेन के साथ मेंशन के अंदर चला जाता है जहाँ डैन उन दोनों एलेक्सिस की रेसिपी मास्टर ली शेन को देते हुए कहते हैं यही वो रेसिपी है जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था। मास्टर ली शेन उस रेसिपी को मास्टर रन को देते हैं देखने के लिए और मास्टर रन उस रेसिपी को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे और वो कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरे हाथ में इतनी कीमती एलेक्सिस की रेसिपी है। और मास्टर रन डैन से कहते हैं आखिर आपके अल्केमी मास्टर कौन है, वो जो भी है पर वो कोई मामूली पर्सन नहीं होंगे, ऐसी रेसिपी मैंने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी नहीं देखी, क्या आप मुझे अपने मास्टर से मिलवा सकते हैं, क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं। जिस पे डैन कहता है मेरे मास्टर ने मुझे मना किया है किसी को भी उनका नाम बताने के लिए। और तभी वहाँ पे लेन शेन की बेटी जिसका नाम यूना था वो आ जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।